बकरा बनाना थोड़े लिए। Don't tell him. Thanks for being in my life and annoying me. इसको देख के मुझे वो गाना याद आ रहा है, एक साबुन दी टिक्की। Happy birthday to you. You are my best view. Good morning, everybody. This is my pati. Pati se sat sri akal. Do bolo. Addi bala na fir main. Kuch se bolo. आज जेल कोई मत्था मलन दे ही पा दे ना मैं। Hi guys. के सात सी कल दोस्तों किधर आला? चाचा यार इतना भी। बोलो बहुत ही बहुत हैंडसम लग गए दिया। नहीं मैं पर ना लगा। तू बहुत। तू इन्हें राजा सारे ना। कौन टाइम दे? हाँ आप आ देना। Why? Ready पड़े। यार ना कर भी। Leave me alone. I love you daddy. Love you so much. प्यारी तेरी की खुजली पई दी गाइस मेरे हस्बैंड बहुत प्यारे हैं बस इदा तू इना इस गल नु दिल ते मत लगा रहा ये बस ऐसी एक्टिंग कर रहे क्या बोलते हैं शैतान बनने की पर ही इज नॉट शैतान ही इज क्यूट ही इज अ क्यूटी पाई गाइस कैन सी चल जा तुर जा तुर जा एक बंदा उत्थे खड़ा है मेरा रास्ता रोक के कि मैं जावा ना इन्हू बहुत पता कि यार क्यों ना जावा क्योंकि इन्हू पता है आईपैड ना लेके चलनी है पहला कहता कि जा जा सॉरी स्वीटी भाई आई हैव टू गो बाय बाय क्यूटी यू नॉट गोइंग देन यू गिव मी फाइव कैंडीज यू वांट कैंडीज ओके आई गिव फाइव कैंडीज देन यू अलाउड टू गो मॉर्निंग दोस्तों कैसे हालचाल है आपकी उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे अगर अच्छे नहीं है तो आज जरूर अच्छे हो जाएंगे आपने देख लिया है मेरे हस्बैंड को और हिम्मत को वो दोनों बिजी हैं मैं चाहती थी कि हिम्मत मेरे साथ आ जाए पर उसने मना कर दिया कि मुझे नहीं आना है मैं जा रही हूँ ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए और ऐसी आलतू फालतू चीजें खरीदने के लिए और थोड़ा बाहर अकेले समय स्पेंड करने के लिए पर हमें हमारा सफर शुरू करने से पहले करना पड़ेगा पेट्रोल मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि ठंड है ठंड में मजा नहीं आता पर यार हम वो करेंगे एंड देन यार मैं जाऊंगी वॉलमार्ट क्योंकि आज मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेने हैं मेरे बालों के लिए क्योंकि हम स्टार्ट करने वाले हैं थोड़ी सीरियस किस्म की जर्नी सो हम शुरू करने वाले हैं सीरियस किस्म की जर्नी बालों की टेक केयर के लिए सो यस हम लेंगे अच्छे हेयर केयर प्रोडक्ट्स नॉट अच्छे अफोर्डेबल सो गाने लग गए हम जाएंगे अब लेट्स गो ऑलराइट दोस्तों तो आज मैं व्लॉग करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्यों पता नहीं पर या एक डिफरेंट एनर्जी है आज सो आज का व्लॉग मजेदार होने वाला है और राइट बहुत सारे दोस्त कहते रहते हैं कि मैं उनको मेरे हेयर केयर की वीडियोस बनाऊं मैं बहुत ज्यादा हेयर केयर पे सीरियसली कुछ नहीं करती हूँ मुझे लगता है कि जो मैं मेरे बालों के लिए करती हूँ वो बहुत ज्यादा अच्छा है एक तो है कि मैं अपने बालों में बहुत ज्यादा ब्रश नहीं लगाती हूँ लाइक सारा दिन कंघी नहीं करती रहती हूँ वो आपके बालों के लिए इतना अच्छा नहीं होता हमेशा कंघी करते रहना और दूसरी चीज मुझे लगता है जो मैं अच्छी करती हूँ वो है कि मेरे बालों को कम धोती हूँ क्योंकि जो नेचुरल ऑयल्स निकलते हैं बालों में से वो आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे हैं वो करती हूँ मैं एंड बहुत सारे DIY नहीं करती हूँ वंस इन अ वाइल हेयर ऑयल लगा लेती हूँ एंड ना कोई सीरियस नहीं पा रहा यार राशि पड़ा है दोस्तों मैं छिट्टी छिट्टी तेल पुआ के वापस आनी है पति ना बहुत बार ऐसा करते हैं कि तेल नहीं पाने ओ आई नीड टू वेयर मास्क एंड ग्लव्स क्योंकि ठंडा पति के ग्लव्स पहनने हाँ ओके दोस्तों अलविदा
हेलो दोस्तों, आई एम बैक। टाटा, आई गॉट द रिसीट। मास्क ना मेरा सारा मेकअप में पड़ा। मास्क लगाना भी ना मुसीबत ही है, पर बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं तो बंदे बांध लेंगे, लगाएं। और हाथों को सैनिटाइज करने के बाद उनको नेचुरल तरीके से ड्राई बिगली बिगली साउंड ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको अच्छा लगा तो बताना। ओके दोस्तों, तो हम पहुंच गए हैं हेल्थ फूड हेल्थ स्टोर के बाहर। यहाँ से मुझे लेने हैं कुछ ऑयल्स। एंड ऑयल्स लाइक, मुझे मसाज करना बहुत अच्छा लगता है, बालों की, बॉडी की, पैरों की, हाथों की, और वो मुझे बहुत ज्यादा आराम भी देती है। और उसके लिए मुझे डिफरेंट डिफरेंट ऑयल यूज करती हूँ मैं। आर्गन ऑयल, ब्लैक सीड ऑयल, या फिर कितने सारे हेल्थ फूड स्टोर से मुझे वो लेने अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे एक नया स्टोर मुझे दिख रहा है जहाँ पे मैं जाने वाली हूँ। यहाँ से मिलते हैं हेल्थ फूड सप्लीमेंट्स और बहुत सारी चीजें। देखती हूँ कि कैसे क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो हम जाएंगे स्टोर के अंदर। आई डोंट नो, आप मुझे देख पा रहे होंगे या नहीं, यहाँ से बहुत ज्यादा रोशनी है। सो लेट्स गो दोस्तों, लेट्स गो एंड डील विद। वैसे तो मैं जल्दी आ जाऊंगी, ज्यादा ताम झाम करने की जरूरत नहीं है, पर आपको मैंने मास्क नहीं है तो अंदर नहीं आ सकते, समझ आ गई दोस्तों। सो ये काफी अच्छा है, यहाँ पे डर्मा ही के भी सारे प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे ये वाला ब्लैक सोप भी है फेस वॉश करने के लिए। आई थिंक मैं ये वाले कंडीशनर एंड शैम्पू लेने वाली हूँ, क्योंकि इसमें नो पैराबेंस है, सल्फेट भी नहीं है, और या एंड बायोटीन के साथ। तो ये सारी हेयर स्टाइलिंग है, हेयर कलर्स। तो ये वाला सेक्शन अरोमाथेरेपी का है। यहाँ पे बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स एंड एसेंशियल ऑयल्स हैं। ओ, हम कुछ यहाँ से लेने वाले हैं। ओके, मुझे बास्केट लेनी पड़ेगी क्योंकि मैंने कई चीज़ें पसंद कर ली हैं। होबा ऑयल, कास्टर ऑयल, ग्रेप सीड मैं पहले भी यूज़ करती हूँ, फिनिश हो गया। सो थोड़ा सा और समय स्पेंड करते हैं। और यहाँ पे साबुन है, साबुन की टिक्की। इसको देख के मुझे वो गाना याद आ रहा है, एक साबुन दी टिक्की। तो यहाँ पे सारे एसेंशियल विटामिन। एक्चुअली मुझे अश्वगंधा चाहिए, वो खत्म हो और राइट। तो यहाँ पे हिमालय के प्रोडक्ट्स भी हैं, तुलसी भी है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें खरीद ली हैं। $100 लगा दिए मैंने, पर आई एम हैप्पी कि जो मुझे चाहिए था वो मिल गया। नाउ हम करेंगे वॉकी 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 वॉकी। और अरे दोस्तों, समय आ चुका है महान वॉलमार्ट में जाने का। ओके दोस्तों, तो वॉलमार्ट के बाद मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ और मैं घर पहुँच गई हूँ। एंड दैट्स माई व्यू, आई लव माई व्यू, यू आर द बेस्ट व्यू। You are my best view. Me? Wait, तू इतना perfect करता है। सुनिया किसे दा birthday आंदा पे आवे? मीमी दा birthday, daddy दा birthday. It's daddy's birthday, but we will never get in anything for that. We gonna skip daddy's birthday, right, dad? Mimi, like he always skip you are and mine. And I blindly believe and know.
ओके दोस्तों, तो हम लोग आ गए सोबीज में केक लेने के लिए। हस्बैंड को शक तो हो गया है हम दोनों के प्लान पे, पर की करिए, हम स्टिल जा रहे हैं। पर मिमी ने प्लान बनाया था आर्ट प्रोजेक्ट, राइट मिमी? मिमी ने कहा कि डैडी वी आर गोइंग टू डॉलर स्टोर। मम्मा एंड आई वांट अ बेबी ट्रॉली। नो, वी डोंट नीड एनी ट्रॉली बिकॉज़ आई डोंट वांट यू टू टच एनीथिंग। We can get the fresh fruit. Daddy likes fresh fruit. Yeah, good idea. Anyway, huh? Yeah. Oh yeah. Oh guys, it's the वही वाला केक पड़ा है जो हिम्मत के लिए लिया था. Same picture खुली हुई है. और store like इतना खाली नहीं है. दुनिया है ये. मुझे लगता है कि हमें केक पसंद आ चुका है। जो मैं लेना चाहती हूँ वो फ्रेश फ्रूट है, और हिम्मत चाह रहा है कि वो नहीं ले, चॉकलेट ले। पर हस्बैंड को चॉकलेट नहीं पसंद है, उनको स्ट्रॉबेरी या फ्रूट्स पसंद है क्योंकि वो मीठे एंड क्लीन प्लेन है। और या जीत गई हूँ मैं, और मैं वो ही लेने वाली हूँ। और हिम्मत पता नहीं खुश है या नहीं, लेट मी चेक। दैट्स हैप्पी। तो हिम्मत ज़्यादा खुश हो गया और डांस कर रहा है क्योंकि उसे कपकेक भी मिलने वाला है। क्या पति को फूल भी देने चाहिए? आई थिंक इट्स ओके। ओ डैडी ने देन लिया, बढ़िया मम्मी। कैरेक्टर। ओके नो, आई एम किडिंग। सीरियस मत लेना दोस्तों। ओ इनके पास बूटे भी हैं। यस 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 लिटिल क्यूटी। ऑलराइट दोस्तों, तो घर वापस आ चुके हैं। अभी तक हस्बैंड को सरप्राइज नहीं दिया है तो थोड़ा धीरे बोलेंगे और सरप्राइज के बाद वैसे हम लाउड बोल सकते हैं। तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो वाले ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो मैं लेके आई हूँ, एंड आलतू फालतू तेल। और ये सबसे पहले मैं लेके आई हूँ शैम्पू एंड कंडीशनर। बहुत समय पहले मैं ये वाला शैम्पू एंड कंडीशनर यूज़ किया करती थी, पर देन मैंने छोड़ दिया था। पर आज फिर से मेरा मन किया है कि इनको यूज़ करूँ। ये है बायोटिन के कलोजन वाले शैम्पू एंड कंडीशनर। ब्रांड का नाम है OGX ऑर्गेनिक्स आई गेस। ओके, ये मेड इन कैनेडा है और ये एनिमल्स पे टेस्टेड नहीं है और ये सल्फेट फ्री हैं। तो ये मैंने लिया है। इनका रंग कितना सुंदर है यार, कितने अट्रैक्टिव है ये लिया है मैंने मेरे लिए और पति के लिए। और देन मैंने एक और शैम्पू एंड कंडीशनर लिया है, वो इसलिए क्योंकि मैं हेल्थ स्टोर गई थी अर्लियर, जहाँ पे मुझे ये मिले हैं जेसन ब्रांड के। वैसे अगर आप बड़े साइज में लेना चाहते हैं तो आपको आराम से मिल जाएंगी ये विनर्स में, ये हमेशा वहाँ पे होते हैं। ये बहुत ज़्यादा अच्छा शैम्पू एंड कंडीशनर है, इसमें फालतू की खुशबू नहीं है और ये पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है एंड पैथलेट्स फ्री है। सो काफ़ी बुरी इंग्रेडिएंट्स जो नहीं चाहिए वो फ्री है। और जो मोस्टली आपको विनर से मिलेगा वो एप्रिकॉट जैसा है, पर ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये बायोटिन रिच है और बायोटिन आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो इसलिए मैंने बायोटिन लिया है। और ये शैम्पू एंड कंडीशनर है। मुझे मेरे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा खुशबू नहीं अच्छी लगती, वैसे भी खुशबू आपके बालों के लिए अच्छी नहीं होती है। सो कोशिश करें कि खुशबू वाली चीज़ें, मैंने मुझे लगता है कि कभी भी बालों के बारे में बात नहीं की है,
पर अब हम बालों के बारे में बहुत बात करेंगे. एंड मेरे बाल वैसे हेल्दी हैं पर इनने भी हेल्दी नहीं. पर अब हम जाने वाले हैं उस जर्नी पे जहाँ पे हम हमारे बालों की बहुत ज़्यादा केयर करेंगे. और ओके, अगली मैंने एक चीज़ ली है, वो एक्चुअली वहाँ से अमेजोन से ली है मैंने. दीज वंस आई थिंक यू गाइस कैन सी, इनका नाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी. इसका नाम है, इसका नाम पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करेंगे, बट ए पी एच एंड ओ जी. तो ये है बालों के लिए ट्रीटमेंट, प्रोटीन ट्रीटमेंट टू स्टेप. एक्चुअली ये मॉइस्चराइजिंग है, लाइक आपके बाल स्मूथ एंड मॉइस्चराइज्ड फील हों, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें आप बालों पे करते हैं तो वो ड्राई एंड या ड्राई एंड डैमेज फील होते हैं, तो मॉइस्चराइज्ड फील हों तो हेल्दी लगता. और ये जो प्रोटीन का ट्रीटमेंट है, ये आप 6 हफ्तों में एक ही बार यूज़ कर सकते हैं. प्रोटीन आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, पर अगर आप अपने बालों पर बहुत ज़्यादा प्रोटीन यूज़ करते हैं तो बाल गिरने भी शुरू हो सकते हैं. तो ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, इसे सिर्फ 2 मंथ में एक बार यूज़ करें. इसे मैंने एक बार भी नहीं किया है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड ट्राई करने के लिए, और उसके बाद के रिजल्ट के लिए आपको अपडेट करूंगी मैं. ओके, ये दोनों पैंट्रा साथ में है. अगली चीज लिए है मैंने हेयर मास्क, 2 डिफरेंट. ये वाला हर्बल एसेंस से है, और ये है एर्गन ऑयल एंड एलो हेयर मास्क, रियल बोटानिकल्स रिपेयरिंग मास्क. ये डैमेज्ड बालों को रिपेयर करने के लिए है. एंड देन जो मैंने एक और कोकोनट वाला मिरेकल ऑयल मास्क लिया है, जो कि है ऑर्गेनिक से ही, और ये कुछ इस तरह का दिख रहा है. एंड देन मैंने स्प्लिट एंड्स पे लगाने के लिए सीरम लिया है, लाइक जब आप अपने बालों को स्टाइल कर लेते हैं नॉर्मल लाइफ में और उसके बाद कोई सीरम लगाना चाहते हैं ताकि वो बेचारे सॉफ्ट रहें, तो उसके लिए मैंने ये लिया है पैंटीन का नरिशिंग ऑयल सीरम, और ये हेल्प करता है स्प्लिट एंड्स को सील करने में. सो ये कुछ इस तरह का दिख रहा है. एंड देन मैंने लिए हैं 3 डिफरेंट ऑयल. एक तो है कास्टर ऑयल, जो मैं यूज़ करती हूँ मेरे बालों के लिए, लैशेस के लिए, आईब्रोज के लिए, या ऐसे किसी मास्क में ऐड करने के लिए. अगर मैं कोई एवोकाडो बनाना का मास्क बनाती हूँ मेरे बालों पे लगाने के लिए, तो उसमें मैं ये कास्टर ऑयल यूज़ करती हूँ. मुझे ये वाला स्पेसिफिक ब्रांड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. देन मैंने लिया है ग्रेप सीड ऑयल, क्योंकि ग्रेप सीड ऑयल बहुत ज़्यादा लाइट होता है और वो आपके पोर्स में नहीं जाता. अगर मैं फेस पे कुछ लगाने के लिए मुझे ऑयल चाहिए होता है तो मैं ग्रेप सीड यूज़ करती हूँ, या फिर मेरे बालों पे भी मैं कर लेती हूँ. बालों पे जब मैं कोई ऑयल लगाती हूँ तो 5-6 डिफरेंट ऑयल मिक्स करके लगाती हूँ. उसके बारे में मैं शेयर करूँगी, मैंने पहले भी कभी किया होगा पर बहुत समय पहले, दोबारा करेंगे. सो उसके लिए मैंने लिया है ग्रेप सीड, जो मेरे पास था वो फिनिश हो चुका है. देन मैंने लिया है होबा ऑयल. ये जो है काफ़ी महंगा है, इन्ना सा है जो $20 में आया है, और ये स्पेशल है जो आपकी पोर्स में नहीं जाएगा. ये नॉन कोमेरोजेनिक है, लाइक आपके पोर्स में जाके आपकी स्किन को कंजस्टेड नहीं करेगा. वैसे अगर आपको नॉर्मल चाहिए सिर्फ बालों के लिए तो आप सस्ता वाला भी ले सकते, सस्ता नहीं लाइक इससे डिफरेंट ले सकते हैं, पर मैं बहुत बार इसको अपनी स्किन पे यूज़ करती हूँ मसाज करने के लिए, या फिर कई बार मेरे मेकअप को रिमूव करने के लिए. So, उसके लिए मैंने लिया है स्किन केयर ऑयल, होबा ऑयल. सो यार, यही ब्यूटी आइटम्स मुझे लगता है कि मैंने ली हैं. सो यार, अब हम जाएंगे डाउनस्टेयर, डिनर करने के लिए मन नहीं है इतना, पर देखते हैं कि क्या करेंगे, और देन हम सरप्राइज करेंगे डैडी को केक के साथ. बट डैडी ने कहा है कि मुझे केक नहीं चाहिए, ही सेड दैट. आई डोंट नो अब वो क्या करेंगे. सो यार, यही है प्लान फालतू सा हमारे पास. हिम्मत बेचारा अपने लिए कप केक लेके आया है, और वो भी बेचारा कंट्रोल करके बैठा है खाने के लिए. मैंने कहा कि अगर डैडी को पता चल गया तो फिर उसे शक हो जाएगा कि ये केक की दुकान में गए थे. तो मैं ये सीरम लगाने वाली हूँ अपने बाल. खुशबू अच्छी है, ऑयल जैसा है, तो यहाँ पे लगा लेते हैं. बाल मेरे ऑलरेडी हेल्दी लगने शुरू हो गए हैं, यही मुझे चाहिए था. ये है मिरेकल इस चीज़ का, रातों रात बाल गुड. टॉकिंग वे टू मच, सारी चीज़ों को लिफाफे में वापस डाल दो, लफाफा बंद करके इसको कोने में रख दो. पति ने देखा है ना सामान, तो पति को जाएंगे अपसेट. बाद में पति बेशक चाह के साथ यूज भी करें, पर पहला दुखी हो जाएंगे नहीं तो, इसलिए थोड़ा लुको के रख दे. ओके, मजाक कर रही हूँ, सीरियस मत लेना. हस्बैंड को दिखा के आई हूँ मैं ऑलरेडी, उनको दिखाए बिना मैंने चैन तो आंदा नहीं है. सबसे पहले उनको दिखाया मैंने, तो अब आपको दिखा रही हूँ. लेट्स गो डाउनस्टेयर नाउ. एक्चुअली मैं ऊपर आई थी कपड़े चेंज करने के लिए, और एक मेहमान आ रहा है नन्ना सा, उसकी वेट कर लेते हैं कि वो क्या कहना चाहता है. दौड़ने की आवाज़ तो आई थी, अब बंद हो गई है, आ रही है दोबारा. डेढ़ घंटा जाने 9:30 आके उतर दी चाहिए बनावा.
समय आ गया केक खाने का. हम लोग खाने वाले हैं केक. मैंने विंग्स ऑलरेडी खा लिए हैं. जब मैं विंग्स लेके आई था आई वॉज वेरी हंग्री. प्लेइंग कार्ड्स. ओह नाइस गेम गाइस. मीमी तनु कार्ड्स प्ले करने आंदे. व्हिच गेम यू प्लेइंग? व्हाट्स द नेम? स्टारफायर कार्ड्स. स्टारफायर फॉर व्हाट? स्टारफायर कार्ड्स. स्टारफायर कार्ड्स. दैट्स द नेम ऑफ द ओके दोस्तों. तो इसी तरह हमने हस्बैंड को सरप्राइज किया बर्थडे के लिए. पता नहीं वो सरप्राइज हो या नहीं, पर उन्होंने यार पता क्या हुआ कि हिम्मत ने उगल दिया. बहु की कितना ही हिम्मत उतरी ट्रैक. ओके दोस्तों, तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ. हस्बैंड ने क्या किया, मैं अपस्टेयर गई और हस्बैंड को लगा कि कार में केक होगा और उन्होंने ट्रिक किया कि मैं केक देखने के लिए जा रहा हूँ और हिम्मत भाग भाग के गया और उसने की छुपा ली. ऐसे ही तो उन्हें पता चल गया ना. इस तरह हस्बैंड ने बच्चे को ट्रिक किया. ऑलराइट, तो अपना बर्थडे सरप्राइज केक क्यूट लग गया. यस ओके दोस्तों, तो यस आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही. दोस्तों फॉर लॉट्स ऑफ विशेस. कुछ तो खास करेंगे. एक्चुअली उनका बर्थडे कल है. वैसे तो मैं उनको 12 बजे सरप्राइज करती केक के साथ, उनको उठा देती, वो सो जाते पाठ पूजा करनी. पर ये इन्होंने हिम्मत को बका लिया पुलिस वाले आंगो, तो फिर हमें केक जल्दी करना पड़ा. वैसे इस बार अच्छा है कि उनका बर्थडे वीकेंड पे आया है और हम लोग ये काम कर सकते हैं, अदरवाइज हम उठाते नहीं है पति को. की करना कल पाठ पूजा? पाठ पूजा करनी. पाठ पूजा सारा दिन नहीं करी जानी, मंत्र पढ़ी जाने. प्यारी कोई पार्टी करेंगे, कोई वो करेंगे डांस पार्टी और कुछ. शाम में मैं ले लूंगा एक ड्रिंक. गाइस देखो मेरे पति फोन ना किन्ने एडिक्ट है. तेरी ये वीडियो देख रहा हूं. स्क्रॉल उंगली चली जांदी रुकनी नहीं रे किते. मेरा काम ही सारा फोन पे है. थैंक यू फॉर वाचिंग. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें. मैं मिलूंगी नए वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलो यू गाइस अ ब्यूटीफुल द वे यू आर. स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग. यू गाइस कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग. ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट it. And take action. Ling, 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 I love you guys so much. Bye. Bye.